कैपिटल गुड सेक्टर के बारे में और पूरे शेयर बाजार पर विस्तार से चर्चा करने के लिए चलते हैं एक्सपर्ट के पास। और आज हमारे साथ मौजूद हैं फिनएथिक वेल्थ सर्विसेज के डायरेक्टर एंड सीईओ विवेक कुमार नेगी जी। विवेक सर, हमेशा की तरह आपका मणि नाइन पर बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू संदीप जी, थैंक यू फॉर हैविंग। सर, इंडियन इकोनॉमी रिकवरी मोड में है और जिस तरह इकोनॉमी में सुधार हो रहा है उससे कैपिटल गुड सेक्टर के शेयरों में अच्छा रिटर्न मिलता दिख रहा है, जैसे कि हमने अपनी स्पेशल रिपोर्ट में भी मेंशन किया है। आपका सर इस सेक्टर को लेकर किस तरह का आउटलुक है, आप कैसे देखते हैं, क्या ये जो अच्छे रिटर्न का सिलसिला है पूरे सेक्टर में वो आगे भी जारी रहेगा? सर, कैपिटल गुड्स इज पार्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर स्टोरी ऑफ इंडिया, तो ये हमारा टॉप थ्री सेक्टर्स में आता है इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करें तो। हम सो कैपिटल गुड्स को एज ए हम सेपरेट सेक्टर नहीं लेते हैं, इट्स पार्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर स्टोरी एंड उसी में हम कुछ कंपनीज को चूज करके वी कीप इन आवर पोर्टफोलियोस। सो पहली चीज तो ये है कि ये जो स्टोरी है, दिस स्टोरी इज नॉट फॉर वन ईयर और टू ईयर, दिस द स्टोरी ऑफ द डिकेड। So, 2020 से स्टोरी शुरू हुई है और हमें लगता है कि ये स्टोरी 2030 तक कंटिन्यू रहेगी और कैपिटल गुड सेक्टर ड्यूरिंग दिस पीरियड बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा और इंडिया की जो ग्रोथ है उसको आउट परफॉर्म करेगा इसे। ठीक है, तो ये स्टोरी जो है, ग्रोथ स्टोरी जो है पूरे सेक्टर की, कैपिटल गुड सेक्टर की, ये एक साल या दो साल की बात नहीं है, पूरे दशक की है, जो कि 2020 में शुरुआत हुई थी जिसकी, और ये 2030 तक जारी रह सकती है, जिस वजह से इस सेक्टर में जो ग्रोथ का सिलसिला है वो कहीं ना कहीं आने वाले कई सालों तक जारी रह सकता है। सर, जब आप इतने ज़्यादा बुलिश हैं इस पूरे सेक्टर को लेकर, जब आप कह रहे हैं कि ग्रोथ जारी रहेगी अगले कुछ सालों तक, तो उस लिहाज से फिर आपके कुछ टॉप चॉइसिस भी होंगे इस सेक्टर में, कोई ऐसे स्टॉक्स, ऐसे शेयर जो आपको पसंद हो इस पूरे सेक्टर में, जहाँ पे पैसा लगाया जा सकता है, निवेश किया जा सकता है लंबी अवधि के लिहाज से, और जहाँ पे हमारे दर्शक अगर पैसा लगाते हैं तो उनको बढ़िया रिटर्न मिल सके? देखिए सर, इस सेक्टर में जो लीडिंग कंपनी है वो L&T है और हम ये मानकर चलते हैं कि जो ऑर्डर बुक है वो सबसे स्ट्रॉन्ग L&T की ही रहने वाली है और वो बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी आने वाले समय में भी। उनके पास टेक्नोलॉजी है, एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज हैं, उनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत स्ट्रॉन्ग रहा है और जिस तरह के प्रोजेक्ट्स पर उन्होंने काम किया है विद लेटेस्ट एंड मॉडर्न एमेनिटीज, L&T बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है और हमें लगता है कि ये यहाँ से बहुत अच्छा ग्रोथ आने वाले समय में भी आपको देती रहेगी। तो L&T इज़ और टॉप पिक। सेकंड नंबर पर अगर आप रखना चाहें तो एक कंपनी है सीमेंस। देखिए, सीमेंस एक ऐसी कंपनी है जिसने अपने आप को काफी डाइवर्सिफाई किया है और काफी कंपनीज को इन्होंने टेक ओवर भी किया है और जिस तरह का इसका ग्रोथ रहा है लास्ट 3 इयर्स के अंदर, हमें लगता है कि सीमेंस एक इस तरह की कंपनी है जो डेफिनेटली आपके पोर्टफोलियो के अंदर होनी चाहिए। तो सीमेंस को लेकर हम काफी बुलिश हैं, करंटली अराउंड 2700-2800 पर ट्रेड करती है, तो 5000 के टारगेट तो इसमें कहीं नहीं गए हैं अगर मैं 3 से 5 साल का नजरिया लेकर चलता हूँ। तीसरी कंपनी जो छोटे साइज की कंपनी है, ईस्टजेक हेवी इंजीनियरिंग कंपनी इसको बोलते हैं और जनरली जो बड़ी कैपिटल गुड्स कंपनीज हैं उनसे इनको ऑर्डर मिलते हैं। जितने भी आपको ऑटो कंपनीज, इंजीनियरिंग कंपनीज और इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज मिल जाएंगी, सब कंपनीज की तरफ से ऑर्डर ईस्टजेक को मिले हुए हैं। इनकी ऑर्डर बुक अगले 5 साल के लिए फुल है। अगर ये ऑर्डर बुक पर भी काम करते हैं तो आने वाले समय में 80 से 100% कैपेसिटी पर ये काम करते रहेंगे। तो ये तीन कंपनीज ऐसी हैं जो काफी स्ट्रॉन्ग हैं फंडामेंटली, इनकी बैलेंस शीट बहुत अच्छी है और हमें लगता है कि जिस तरह की मैनेजमेंट क्वालिटी है ये कंपनीज यहाँ से बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकती है। ओके, तो कैपिटल गुड सेक्टर में तीन फंडामेंटली जो सबसे स्ट्रॉन्ग कंपनियां हैं, जिसमें L&T है, सीमेंस है, इनफैक्ट सीमेंस में तो अगले 3 से 5 साल के लिए 5000 तक के टारगेट्स भी आ सकते हैं ऐसी उम्मीद है, और एक छोटी कंपनी है ईस्टजेक हेवी के नाम से जो कि बड़ी कैपिटल गुड्स कंपनियों से जिनको ऑर्डर मिलते हैं और इनकी ऑर्डर बुक अगले 5 साल के लिए पूरी तरह से भरी हुई है। 80 से 100% कैपेसिटी पे अगर काम करेगी तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह की ग्रोथ इस कंपनी में देखने को मिल सकती है। तो तीन ऐसी कंपनियां आपको बताई गई हैं, अगर आप कैपिटल गुड्स सेक्टर में निवेशित हैं या निवेश करना चाहते हैं तो इन तीन कंपनियों पर आप दाव लगा सकते हैं। चलिए, ये तो ओवरऑल कैपिटल गुड्स सेक्टर की बात हुई, कैसा आउटलुक है और वहां पे किस तरह से आप निवेश कर सकते हैं, लेकिन सर मार्केट की अगर बात करें तो ओवरऑल अगर हम इंटरनेशनल हालात देखें तो वो ठीक नहीं है, खासतौर पे रिसेशन की चिंताएं जिस तरह से लगातार बनी हुई हैं, लेकिन हाल में जो US के Q3 GDP के आंकड़े आए थे उसके बाद थोड़ा सा माहौल सुधरता हुआ दिखा है, जिससे भारतीय शेयर बाजार में भी हमने अच्छी खासी तेजी बनती हुई दिखी है पिछले कुछ दिनों में। ऐसा माना जा रहा है कि सेंसेक्स निफ्टी ऑल टाइम हाई भी टच कर सकते हैं जो हमने अक्टूबर 2021 में बनते हुए देखे थे। मुझे पता है सर आपका 2025 तक सेंसेक्स का 1 लाख का लॉन्ग टर्म का टारगेट है जो कि आप पहले कई बार भी मेंशन कर चुके हैं, पर अगर हम छोटी अवधि की बात करें तो उस लिहाज से जो नवंबर का महीना है, अक्टूबर में जो हमने अच्छे गेंस देखे थे उसके बाद क्या निफ्टी नवंबर में भी अच्छा परफॉर्म कर सकता है, किस तरह की रेंज है जिसके ऊपर ध्यान रखना चाहिए अगर हम पूरे नवंबर महीने की बात करें तो?
संदीप जी, देखिए जब से मैं मनी नाइन के साथ प्रोग्राम्स कर रहा हूँ, आई थिंक लगातार ग्लोबल मार्केट की सिचुएशन काफी खराब है, और मैंने हमेशा ये कॉन्फिडेंस देने की कोशिश की है कि हमारी मार्केट की सिचुएशन उनसे बहुत बेहतर है और हमारी मार्केट में निवेशित रहना चाहिए, और वहां से आप देखेंगे तो काफी अच्छे रिटर्न्स भी देखने को मिले हैं। अभी हम थोड़ा सा मुझे लगता है कि ऊपर की तरफ आ गए हैं, यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड हो सकता है कि शॉर्ट टर्म के लिहाज से थोड़ा सा अच्छा ना हो, तो थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए और बाइंग ऑन डिप्स की अप्रोच आपको यहाँ पर रखनी चाहिए। हमें लगता है कि 17,400 17,500 निफ्टी पर एक काफी अच्छा लेवल है नीचे की तरफ, और ऊपर 18,500 18,600 का एक रेजिस्टेंस होगा, जो कि आप ऑल टाइम हाई की बात कर रहे हैं। ऑल टाइम हाई बहुत जल्दी हमें मार्केट में देखने को मिल सकता है, बट वो नवंबर के अंदर ही मिलेगा ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है, बट डेफिनेटली 2022 के अंदर एक बार दोबारा हम ऑल टाइम हाई की तरफ जाएंगे। तो फिर सर रह क्या गया, एक महीना तो रह गया, फिर आप कह रहे हैं कि नवंबर में नहीं तो फिर दिसंबर में तो आ ही जाएगा। जी बिल्कुल, मेरा कहने का मतलब यही है कि नवंबर नहीं तो दिसंबर में हम करीब अराउंड 2.5-3% दूर रह गए, तो दैट इज नॉट ए बिग टारगेट, कोई भी एक अच्छी पॉजिटिव न्यूज मार्केट को उसके ऊपर ले जाएगी। ठीक है, तो 2 महीने इस साल में बचे हैं 2022 में, इस दौरान हो सकता है कि सेंसेक्स निफ्टी कभी भी अपने जो ऑल टाइम हाई लेवल्स हैं वो टच कर जाएं, लेकिन थोड़ा सा कॉशियस रहना है क्योंकि हाल के दिनों में हमने देखा है कि मार्केट में काफी अच्छे गेन्स बनते हुए दिखे हैं, नीचे में 17,500 के आसपास और ऊपर में हम देख रहे हैं कि 18,600 जो कि ऑल टाइम हाई के आसपास के लेवल्स हैं, इन लेवल्स के आसपास रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है, तो उस लिहाज से इन लेवल्स को आप ध्यान में रखिए अगर आप नवंबर महीने के लिहाज से बाजार के लिए ट्रेडिंग रेंज की तलाश में है। अच्छा सर, अक्टूबर के एंड से जो विदेशी निवेशक हैं एफपीआईएस के रुख में बदलाव आता दिख रहा है, भारतीय बाजार में उनकी जो खरीदारी है वो कहीं ना कहीं बढ़ी है, दूसरी तरफ डीआईएस अभी भी नेट रूप से निकासी के मोड में ही है, इनफैक्ट आप म्यूचुअल फंड्स देख लीजिए, एसआईपीज में देख लीजिए, रिडेम्पशन का जो ट्रेंड है वो साफ तौर पर कहीं ना कहीं दिखता हुआ नजर आ रहा है, इस ट्रेंड से क्या संकेत मिलते हैं सर? आपने वैसे ऑलरेडी कह ही दिया है कि हम कॉशियस रहना चाहिए, लेकिन ये जो ट्रेंड है कि एफआईएस की वापसी हो रही है भारत में, कहीं ना कहीं ट्रेंड रिवर्सल हो रहा है उनकी ओर से और म्यूचुअल फंड्स ने अब बिकवाली करना शुरू कर दिया है। संदीप जी देखिए, जैसे कि आप जानते हैं कि मैं ट्रेनिंग्स देता रहता हूं, ठीक है, और ट्रेनिंग्स में इस समय बहुत सारी ऐसी चीजें सामने आ रही हैं जो हमें ये बताती है कि अंडरटोन बहुत स्ट्रांग है और आने वाले समय में मार्केट में रिटेल पार्टिसिपेशन काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। हमारे पास जो इस समय क्लाइंट्स आ रहे हैं ट्रेनिंग के लिए, वो आपके इंश्योरेंस एजेंट्स हैं, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, आईटी कंपनीज में वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, तो लोगों का जो रुझान है मार्केट को लेकर वो काफी बढ़ रहा है, और हम पेनेट्रेशन की जो स्टेज होती है वहां से निकलकर ग्रोथ की स्टेज में आ गए हैं, तो रिटेल का जो सपोर्ट है वो आने वाले समय में और बढ़ेगा, चाहे वो म्यूचुअल फंड के थ्रू हो चाहे वो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के थ्रू हो, तो वो कंटिन्यू रहेगा। ये टेम्परेरी फेजेस जो रिडम्पशन के हैं ये आते रहेंगे, क्योंकि जो लोग लंबे समय से मार्केट में फंसे हैं वो कहीं ना कहीं जाकर रिडीम करते हैं, और ये मार्केट की स्टोरी भी रही है कि वो कोई भी बड़ी रैली लेने से पहले एक बार जो कच्चे निवेशक होते हैं, जो वीक हैंड्स जिनको कहा जाता है, उनको बाहर करके उसके बाद ही बड़ी रैली मार्केट में आती है। ठीक है, तो ये जो रिडेम्पशंस देखने को मिल रहे हैं चाहे वो म्यूचुअल फंड की साइड से हो या फिर रिटेल की साइड से भी हो, हमें विवेक सर कह रहे हैं कि इससे हमें घबराना नहीं है, ये इनफैक्ट टेम्परेरी है, अस्थाई है, आगे मार्केट में काफ़ी अच्छा तेजी का जो रुझान है वो बनता हुआ दिख सकता है। सर, हम जब ग्लोबल रिस्क की बात करते हैं या फिर हम कहते हैं कि ग्लोबली हम कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं, तो ये जो ग्लोबली रिसेशन की बात की जा रही है, हालांकि इंडिया में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारा जो आईटी सेक्टर जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्टर है हमारी इकॉनमी के लिहाज से, वो कनेक्टेड है दुनिया भर से ग्लोबल रिसेशन की जिस तरह से बात हो रही है, तो उस लिहाज से देखा जाए तो आईटी कंपनीज में हमने देखा है कि पिछले कुछ महीनों में इनफैक्ट काफ़ी ज़्यादा बुरा दौर देखने को मिला था, लेकिन अब हमने देखा है कि जो दूसरी तिमाही के नतीजे आए हैं वो ज्यादातर जिस तरह का अनुमान था उसके विपरीत ज्यादातर कंपनियों ने नतीजे अच्छे ही पोस्ट किए हैं, कुछ कंपनियों ने अच्छे डिविडेंड भी दिए हैं, बायबैक की भी घोषणा देखने को मिली है, तो उस लिहाज से अब आईटी शेयरों में लंबी अवधि के लिहाज से अगर खरीदारी शुरू करनी है किसी को यह देखकर कि बहुत ज्यादा करेक्शन हो चुका है, तो क्या यह राइट टाइम है अभी इनमें एंटर करने के लिए? संदीप जी देखिए, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था कि ग्लोबली सिचुएशन थोड़ा सा अभी भी कंफ्यूजन का है और वहां पर रिकवरी आने में थोड़ा समय लग सकता है, तो जो सेक्टर ग्लोबल मार्केट से अफेक्टेड होते हैं थोड़ा एक्सपोजर आपको कम रखना चाहिए उन सेक्टर्स में। आईटी कंपनीज का 70-80% रेवेन्यू जो आता है वो ग्लोबल मार्केट से आता है और डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट हमें इसके ऊपर देखने को मिलेगा। तो आप कह रहे हैं कि ग्लोबल जो सेक्टर्स होते हैं उनमें कहीं ना कहीं इम्पैक्ट देखने को मिलता है जैसी ग्लोबल पिक्चर पैन आउट होती है, तो उस लिहाज से आईटी कंपनीज क्योंकि इनका एक्सपोजर बड़ा है ग्लोबल मार्केट्स में, तो उसका इंपैक्ट भी देखने को मिल सकता है और थोड़ा रिकवरी में भी टाइम लग सकता है, तो इस लिहाज से
थोड़ा एक्सपोजर जो है इस सेक्टर में आप कम रखें। हालांकि लंबी अवधि के लिए अभी भी खरीदारी की जा सकती है, लेकिन जो एक्सपोजर है, जो आपका पूरा एलोकेशन है आपके पोर्टफोलियो का इस सेक्टर में, वो कम होना चाहिए 10 से 15% के आसपास का।